हेलो दोस्तों, मैं हूँ रंजीत। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रियल म्यूजिक ट्रेनिंग एकेडमी। दोस्तों, मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को म्यूजिक सिखाऊंगा, गिटार, पियानो, यूकुलेले और भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी दूंगा, और आप लोग आगे जाके कैसे मिक्सिंग मास्टरिंग किया जाता है ये भी सीख पाएंगे। तो आज ही मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को गिटार ट्यूनिंग करना सिखाऊंगा। चार अलग अलग गैजेट से गिटार कैसे ट्यूनिंग किया जाता है, तो देखते रहिए आप मेरा वीडियो। गिटार ट्यूनिंग करने के लिए 20-25 साल पहले इस टाइप का ट्यूनर आता था। देखिए, ये फ्लूट जैसा है, ये अलग अलग नोट के हिसाब से आता था। जैसे ई, बी, जी, डी, कोई भी नोट्स ले ले, तो गिटार का स्ट्रिंग का नेम हो गया। जैसे हम लोग का ई, बी, जी, डी, ए, तो हिसाब से कोई भी ले सकते थे। तो ये ई है, इसमें क्या होगा, फर्स्ट स्ट्रिंग ट्यूनिंग हो जाएगा ई, बाकी मैं यहाँ पे फ्रेट पकड़ के ट्यून कर लूँगा। तो देखिए एक बार किस टाइप से होता है। ये मुँह में रख के फू देना पड़ेगा, इससे आवाज निकलेगा और फिर इसमें ट्यूनिंग करूँगा। तो देखिए, बस ये हो गया, ये ई ट्यून हो गया हम लोग का। ये ऐसा साउंड कर रहा है, इसमें भी ऐसे साउंड था। अभी बाकी हम लोग जो जानता हूँ बाकी स्ट्रिंग कैसे किया जाता है, तो फर्स्ट स्ट्रिंग ये हो गया। अब उसके बाद ये बी स्ट्रिंग है, सेकेंड स्ट्रिंग, तो बी पे भी हम लोग को बी स्ट्रिंग पे जाके ई पकड़ना है। ई के साथ ई मिलाऊंगा, मतलब ये ई साउंड कर रहा है, फिर यहाँ पे ये मिलाऊंगा, इसके साथ ये दोनों को मैच कराऊंगा, सेम हो रहा है क्योंकि ए भी ई ओ भी ई होना चाहिए। तो देखिए ये लो हम लोग देख रहा हूँ, पर लो तो इसमें उठाना है सेकंड स्ट्रिंग को। तो एक बार उठाता हूँ, फिर ट्राई करता हूँ, फिर यहाँ पे पकड़िए 1 2 3 4 5 फ्रेट पे। अब देखिए ये ही और इसमें भी सेम हुआ ना, ऐसे दोनों। तो ये हो गया, फर्स्ट स्ट्रिंग को छेड़ूंगा नहीं, फर्स्ट स्ट्रिंग वही रहेगा। सेकेंड स्ट्रिंग पे ई पकड़ के ट्यूनिंग किया, फिर थर्ड स्ट्रिंग पे आऊंगा, तो सेकेंड स्ट्रिंग अभी हो गया ओपन बी, तो थर्ड स्ट्रिंग पे बी पे आके हम लोग इसके साथ ये मिलाऊंगा। तो चलिए, थर्ड स्ट्रिंग बी कहाँ पे, जी, जी सर, ए सर बी, तो फोर्थ फ्रेट हुआ। फोर्थ फ्रेट पे पकड़ के ऐसे दोनों को स्ट्रोक करूंगा, पहले अलग अलग देख लूंगा क्या है। सेम ही है, पास में है, देखिए सेम कर रहे हैं। अब देखिए ये कर रहा है यहाँ पे, अब देखिए सेम, तो इसका मतलब ठीक। तो हो गया हम लोग का फर्स्ट स्ट्रिंग, पहले वो फ्लूट से किया था, फिर उसके बाद इसके साथ ये मिला सेकेंड, अब फिर थर्ड स्ट्रिंग भी हो गया। अब फोर्थ स्ट्रिंग पे जाता हूँ, फोर्थ स्ट्रिंग क्या है, डी, तो डी पे जाके थर्ड स्ट्रिंग तो जी था, बी स्ट्रिंग पे जाके जी पकड़ूंगा, फिर जी के साथ मिलाऊंगा। जैसे देखिए, तो इस भी पकड़ने के लिए डी कहाँ पे, डी डी सब ई ए सब जी ए जी पकड़ना है, तो ये जी था, ये लो, ठीक है, लो साम कर देखना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा स्ट्रोक कीजिए और फिर चेक कीजिए, सेम होना चाहिए। तो देखिए सेम कर रहा है, मतलब ये जी है, यहाँ पे भी जी पकड़ के सेम। तो हो गया हम लोग का, छोड़ दूंगा तो डी हो जाएगा, हो गया। उसके बाद चलिए डी के साथ ये फाइव स्ट्रिंग करता हूँ, अभी फाइव स्ट्रिंग ए है, तो ए पे भी जाके डी पकड़ूंगा, ए ऐसा बी सी सी सब डी, तो यहाँ पे डी डी के साथ डी मिलना चाहिए, ये डी हो गया, ए भी लो, देखिए हाई होने से लो करूंगा, लो होने से हाई करूंगा, तो इसको भी चढ़ाना है। चलिए आइडिया करके थोड़ा करके देखता हूँ, हाँ
ठीक है, तो हो गया डी डी ऐसे सेम है, ए भी हो गया। अब फिफ्थ स्ट्रिंग के साथ सिक्स स्ट्रिंग मिलाऊंगा, तो सिक्स स्ट्रिंग ही है, फर्स्ट स्ट्रिंग भी है, तो ये देखिए। अब इसमें भी ए ढूंढूंगा, कहाँ पे ए कैसे होगा, ई एफ एफ सा जी जी सा ए भी फिफ्थ फ्रेट पे पकड़ना, इसके साथ मिलाता हूँ। देखिए लो लो के बाद मैं फ्लूट से दिखाया था पहले, तो इसके बाद एक इस टाइप का भी बीट भी आता था पहले, अब देख सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, वन टू थ्री एंड वन टू थ्री सिक्स हो गया ना, तो इसमें क्या है, सारा में नोट्स का नाम लिखा हुआ है, जैसे गिटार का है तो गिटार का फर्स्ट स्ट्रिंग हम लोग का क्या है, देखिए ई, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जी एक बार, मतलब जहां पे मैं फूकूंगा वो हिसाब से इसका नोट्स यहाँ पे लिखा हुआ साउंड करेगा। जैसे ये हो गया, हम लोग फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए फूकना पड़ेगा, सेकेंड बी एंड थर्ड जी, उसके बाद आ गया आपका फोर्थ स्ट्रिंग डी ए वाला, फिफ्थ स्ट्रिंग ए एंड सिक्स स्ट्रिंग ई। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ उसको, इसका भी वही टाइप का है, थोड़ा सा डिफरेंट देखने में, तो इसमें फूक करके दिखा देता हूँ, अलग अलग साउंड आएगा कैसे करते हैं देखे। फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए ए ए इसमें फूकना पड़ेगा, जैसे ऐसा साउंड करेगा, देखिए सेम। अब बी सेम कर रहा है, फिर हम लोग जी, देखिए एक ही, फिर इसमें जाइए फोर्थ, देखिए एंड फिर फाइव देखूंगा ये एंड लास्ट ई, मतलब वो फ्लूट से जैसा ट्यूनिंग करता था ए भी सेम आवाज करेगा। मैं वो हाथ से मैनुअली किया था एक टू ट्यून करने के बाद, लेकिन ये अलग अलग से, तो इसमें साउंड को बहुत मतलब ध्यान में रखते हुए आप लोग को करना पड़ता था, तो मुश्किल ही होता, एक पकड़ देखा जाए तो मुश्किल ही होता था। फिर क्या आया, फिर देखिए दूसरा, ये हो गया दूसरा, तीसरा मैं दिखाता हूँ, तीसरा इस टाइप का आप लोग बहुत जन देखे होंगे, ये ज्यादा पुराना नहीं है, मतलब ज्यादा दिन नहीं हुआ इसका, इस टाइप का क्लिक टाइप करता था, मैं दिखाता हूँ, बहुत जन जानते हैं, जो नहीं जानते छोटे बच्चे लोग जो नया नया बिगिनर सीख जा गिटार सीखने की कोशिश कर रहा है, चाह रहा है, तो उन लोग को भी दिखा देता हूँ सारा कुछ क्या। हाँ तो एक बार देखिए ये वाला, तो इसमें हम लोग क्या करूँगा, ये ऊपर में लगाना पड़ता था ऐसे, इसमें क्या होगा, ये थोड़ा आसान हुआ था पहले वाला गैजेट से, तो ऐसे लगा दो फिर इसमें स्ट्रोक करो। अब देखिए इधर दिखाता हूँ, स्ट्रोक करना पड़ता था, देखिए हम लोग तो पहले मिला ही लिया था ना, सिक्स स्ट्रिंग था ई वी जी डी एस, अभी देखिए एकदम परफेक्ट ये हुआ, वो दोनों डिवाइस और सेम ही। फिर दूसरा ए एस बी जी, देखिए जी थोड़ा डाउन, मतलब जो ट्यून में रहेगा रेड दिखाएगा उसको, फिर घुमा कर हम लोग परफेक्ट कर दूंगा। मान लीजिए ऐसे तो रेड दिखा रहा, मतलब ये मान लीजिए थोड़ा घुमा लेता हूँ, क्या होगा ट्यूनिंग नहीं रहने से ऐसे दिखाएगा, लो रहने से रेड, फिर अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा हाई हो जाता है ये भी रेड दिखाएगा। हम लोग सेंटर 90 डिग्री में लाना है, एक पॉइंट है जैसे हम लोग थोड़ा अभी ठीक करता हूँ, देखते रहिए, मतलब हाई पता चल ही जाएगा, ये हो गया बैक हो गया जी। अब देखिए दूसरा, इसको स्टॉप कीजिए, साउंड स्टॉप करके दूसरा स्ट्रिंग पे जाना है, ये भी ठीक हम तो कर चुका था, ये भी देखिए सेम ही दिखा रहा है, ये भी सेम फाइव ए ये लो है, ये सिक्स स्ट्रिंग बेस है, ज्यादातर हमेशा ट्यूनिंग नहीं रहता है, थोड़ा सा लो ही रहेगा, तो बार बार करना पड़ता है बेस है, तो हो गया ये ग्रीन हो जाने का मतलब हो गया। तब वैसे जैसे ट्यूनिंग करने के बाद फिर ऐसा दोनों को मारिए, ये हो गया, अगर यहाँ पे भी चेक कीजिए ये हो गया थर्ड गैजेट में दिखाया इस टाइप का, ये भी ठीक ही था। तो मैं इसके बाद और एक दिखा रहा हूँ फोर्थ गैजेट, इसको
आप लोग देखेंगे होंगे इस ट्रक जो आता है। मेट्रो नाम भी है, इसमें मेट्रो नाम भी है, बीट के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते, बहुत अच्छा चीज है। म्यूजिक हमेशा बीट के साथ ही करना चाहिए, मेट्रो नाम के साथ से शुरू करना चाहिए। अब सब बिगिनर से ले चाहे जो भी कुछ बजाए आप फास्ट सुनो, लेकिन एक बार दोस्तों मेरे वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मेरे वीडियो पे एक लाइक और शेयर जरूर करना। मैं आगे और इंटरेस्टिंग वीडियो ऐसे ही लाते रहूँगा, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।